ज्यांचा इथं सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे त्या सर्वांचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो, सदिच्छा देतो, शुभकामना देतो व भगवान सिद्धिविनायक त्यांना भरभरून आशीर्वाद देत त्यांच्या हातून या क्षेत्राची सेवा यापेक्षा जास्त घडावी अशी शक्ती, ऊर्जा, उत्साह भगवान सिद्धिविनायकांनी त्या सर्वांना द्यावा. आदरणीय माझगावकरचे जे म्हणाले की ज्यांना पुरस्कार प्राप्त झाला नाही त्यांनी हे निराश होण्याचं कारण नाही. लहरों से ढककर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. पुरस्कार कार्यक्रम दर वर्षी होते, प्रयत्न सुरू ठेवा, आपल्याला पुन्हा पुरस्कार प्राप्त होईल हाही माझा निश्चितपणे विश्वास आहे. खरं तर या कार्यक्रमात उपस्थित होताना मनापासून आनंद होतोय. मी स्वतः तर चित्रकार नाही, माझगावकर साहेबांनी या क्षेत्राच्या संदर्भात अधिकारवाणी काही टिप्स दिल्या, काही माहिती दिली, पण हे खरं आहे की जगातला सर्वात मोठा चित्रकार कोण, तर स्वतः देव आहे. सर्वात मोठा आर्किटेक्ट देव आहे. जेव्हाही आपण त्याची चित्र पाहतो तेव्हा आपल्याला सुद्धा सारी सुख दुःखाच्या बाहेर जाऊन आपण विसरतो आणि देवानंतर मग जेव्हा देवानी निर्माण केलेल्या कलाकारांची चित्र पाहतो तर तो आशय, तो भाव, ती भावना आपल्या मनात जागी होते. खरं तर जेव्हा मी सांस्कृतिक मंत्री म्हणून माझ्यावर जबाबदारी देण्यात आली तेव्हा मी मनात एकच विचार केला, कारण मागील 5 वर्ष मी अर्थमंत्री होतो. पहिल्यांदा जेव्हा मी 31 ऑक्टोबर 2014 अर्थमंत्री म्हणून वानखेडे स्टेडियम मध्ये शपथ घेतली त्याच दिवशी सायंकाळी मी आमच्या विभागाच्या प्रधान सचिवांना विचारलं की महाराष्ट्र हा नररत्नाची खान आहे, महामानवांची खान आहे, आध्यात्मिक वीरता, पुरुषार्थ, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं तर रक्ताच्या थेंबा थेंबामध्ये चैतन्य निर्माण होतं, आपला महाराष्ट्र आर्थिक दृष्टिकोनातून कुठं आहे. आणि जेव्हा माझ्या समोर या संदर्भातली आकडेवारी माहिती देण्यात आली तेव्हा जगातल्या 193 देश जे संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्य आहेत आमची इकॉनॉमी ही 36व्या क्रमांकात होती. मी अर्थमंत्री झालो आणि मी अभिमानाने हे सांगू शकतो की स्वातंत्र्यानंतर मी या राज्याला पहिल्यांदाच देशातल्या इतर राज्यांपेक्षाही जास्त रेव्हेन्यू सरप्लस केलं आणि 11,975 कोटी ते राज्य माझं सरप्लस झालं. देशात कोणत्याही राज्याला या पद्धतीने लक्ष प्राप्त करता आलं. काफी कोशिश और नाकामी हो के उस पर अभी जाके मुझे मिला है तो बहुत गर्व की बात है. ये कुछ असफलता है और अभी सफलता मिली है तो बहुत आनंद हो रहा है. और ये लाइफ साइकिल है, पेंटिंग का नाम लाइफ साइकिल है. बर्थ एंड डेथ सीरीज मेरी चालू है तो उस पर एक ही है, बटरफ्लाई का फॉर्म है. वो मेरे को बहुत इंस्पायरिंग करता है, इसलिए जो बटरफ्लाई की लाइफ है, साइकिल जो है वो किस तरह से होती है वो पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है. तो यही सब कुछ जो डार्कनेस है वो जो अच्छाई है वो पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है. तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, जो भी मेरे सर है, जॉन डॉगलस सर है और शार्दुल सर है, उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाया. और जो भी आज तक मेरे गुरु रहे हैं सबका मैं शुक्रगुजार हूँ. और यही कहना चाहता हूँ, आप सबको भी थैंक यू. थैंक यू. और बीच में रुक गया तो थोड़ा फर्स्ट टाइम ही है इसके लिए. माझं नाव सिद्धेश नरेंद्र ठाकूर आहे, मी मुंबई इकडे राहतो. मी शिल्पकलेचं शिक्षण सर जे जे स्कूल्स ऑफ आर्टमधून घेतलं आहे. मी आत्ताच गेल्या वर्षी पासआउट झालेलो आहे. हे माझं स्कल्पचर आहे, मी ब्रॉन्झ या माध्यमामध्ये गेले आहे. ह्याचं टायटल आहे ह्युमन स्ट्रगल, मानवी संघर्ष. थँक्यू सो मच.
अच्छा जी जी, मेरा नाम मोनिका संदीप घुले है, मैं इचलकरंजी से हूँ, कोल्हापुर, बट मुंबई में कुछ सालों से रह रही हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो मेरा बनाया हुआ कलाकृति है। बहुत सालों से काम कर रही हूँ और आज मुझे दुपेंद्र हुसैन स्कॉलरशिप से नवाजा गया है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक आज वेल नोन आर्टिस्ट की तरह आगे से शायद जानी जाऊंगी। थैंक यू। एक्चुअली मैं मेरा नाम आर्टिस्ट मदन पवार हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है पेंटिंग में। एक्चुअली मैं जब सीनरी या लैंडस्केप स्टडी करता हूँ तो उसमें ये घरों का सीन, ये जो चीज़ें हैं, जो मैं फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान गया था वहाँ पे ये चीज़ें मुझे ना बहुत रियलाइज हुई, जो ब्लू सिटी है उससे मैं इंस्पायर हूँ और उसी के सीरीज पे मैं ज़्यादातर हाउसेस को लेके क्रिएटिव पेंटिंग करता रहता हूँ कंटिन्यूसली, और प्रोफेशनली मैं हर जगह मेरा काम प्रेजेंट होता रहता है। क्या बोलिए, ये जो मैं एक्चुअली 30 साल से पेंट कर रही हूँ, ये जो मेरी पेंटिंग है ये स्पूल्स ऑफ टाइम है, जिसका मतलब है कि जैसे टाइम बीतता जाता है, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, वो सब मैंने इसमें डाल, कहानियाँ जो लिखते हैं हम, बोलते हैं, सोचते हैं, वो सब इस पेंटिंग में मैंने, वो पूरी धारणा है इस पेंटिंग में मेरी। थैंक यू, थैंक यू बेटू। अपन में सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह की जर्नी आपकी रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? यहाँ जो पहला शो था जहांगीर गैलरी में 1981 में, वहाँ से आज तक मैं सब जो मेरे को अच्छा लगता है कि जो मेरे को काम करने में आनंद मिलता है वो मैं पेंटिंग करता हूँ, और नेचर जो है वो मेरे बहुत भाता है क्योंकि मैं भी एक नेचर का पार्ट हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आगे सामने का जो नेचर लगता है दिखता है अपने को, उससे मैं जैसा हूबहू नहीं बनाता, क्योंकि वो तो फोटोअप कर सकता है लेकिन वो जो निसर्ग है वो जो वो अपने मन में उसको जगा देता है, बाद में वो निकल देता है और वो मैं कैनवास पे डालने का प्रयत्न करता हूँ। या देखिए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो जर्नी है 135 साल से जो हो रही है, 1888 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1879 से ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है हमारा। तो ये 131 एग्जीबिशन, 131 एग्जीबिशन जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का, ये जर्नी बहुत लंबा है और जो कुछ आज हमने यहाँ देखा है कि जिस प्रकार की कला, जिस प्रकार की चित्रकार शिल्पकार यहाँ आए हैं, करीबन आज 2500 से ज़्यादा एंट्रीज यहाँ पे आई थी जिसमें से जूरी ने करीबन 190 आर्टवर्क सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आज 48 अवार्ड्स हमने अलग अलग चित्रकार शिल्पकारों को दिया है। और आज हमें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को बेहद खुशी है कि आज यहाँ पे हमने जो 2004 में शुरू किया था कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो बॉलीवुड में होता है, साहित्य कला में होता है लेकिन चित्रकला क्षेत्र में नहीं था, तो ये 2003-04 से हमने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया है जब से मैं सोसाइटी से जुड़ा हूँ, तो आज हमें बेहद खुशी है कि ये अवार्ड एक गुरुवर्य वरिष्ठ चित्रकार जी एस माजगांव के सर को दिया गया है। माजगांव के सर का अपना एक काम करने का तरीका है, स्टाइल है, जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि लैंडस्केप को लैंडस्केप जैसा कि वैसा कॉपी नहीं करते हैं क्योंकि वो तो फोटोग्राफ कर लेगा, तो ये लैंडस्केप का इनका जो अपना थॉट है वो थॉट तो यही है कि आप निसर्ग के साथ जुड़े हैं, आप निसर्ग में रहते हैं, उनके साथ जुड़े हैं, आप में निसर्ग समाता है, आप उसको पचाते हैं, रिझाते हैं, फिर बाद में उसका रिफ्लेक्शन जो आता है वो सर की अपनी जो सोच है वही उनकी कला से जुड़ी हुई है, वही एक उनकी कला से जुड़ी हुई है। और उनके जो लैंडस्केप है वो कॉफ़ी नहीं है, वो अलग लैंडस्केप है
आपको वो लैंडस्केप एंजॉय करने के लिए वो खुद देखना होगा, और उस लैंडस्केप में और जो हमारी जो ट्रेडिशनल लैंडस्केप है उसमें एक फ़र्क यही है कि ये जो लैंडस्केप है सर के, ये क्रिएटिव लैंडस्केप है, ये कॉपी नहीं है। तो हमें खुशी है कि आज ऐसे एक कलाकार, ऐसे एक चित्रकार, ऐसे एक गुरुवर है जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक कला अध्यापन का काम किया है, उन्हें हमें बेहद खुशी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को कि रूपधम लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से उन्हें यहाँ गौरवान्वित किया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है हमारा रूपधर, उसकी गरिमा बल्कि जब सर जैसे कलाकार इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, तो ये अवार्ड की हमारी गरिमा बढ़ते जाती है। सोसाइटी का जो प्रवास है, आगे की जर्नी है, वो शुरू ही रहेगी, और हमारे जो आर्ट गैलरीज है जो बैंड्रा में शुरू हुई है वहाँ भी अभी रेगुलर एग्जीबिशंस हो रही है, और ये शो हमें बेहद इससे आशाएं है कि आने वाले दिनों में अभी यहाँ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल भी शुरू है, तो यहाँ दर्शक वर्ग आएंगे और आर्ट को अपने तरीके से, अपने स्टाइल से सब आएंगे, और दे विल एंजॉय द आर्ट एंड दे विल सेलिब्रेट द कंटेम्प्रेरी आर्ट। थैंक यू।